आप रोमांस करने से पहले कोविड टेस्ट थोड़ी करा हो, काम कर रहे हो यार भाई, ये बात नहीं समझी कट कट। ठीक है आप बीएमसी से आए हैं? आपकी शादी हो चुकी है? अभी टेस्ट करते रहते हो, बात करो। मिल गया क्या? गूगल करो यार, गूगल हो रहा है। नीला नीला आकाशा, तारे राहुल से नाम घेते लक्ष्य दया सारे। किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूँ, किस किस को अपनी लव स्टोरी कहूँ, दिशा तुम हो वैद्य परिवार की बहू। बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भी कोई सवाल है पूछेगा? लुक एट हिम, एकदम खुले के रूप में, बहुत ही हैंडसम। थैंक यू, आई फील वेरी लकी टू बी हियर फाइट। ओके, जूते जरा पाए कितने हाली, एकदम पकड़ के रखे हुए थे जूते, हुआ क्या इधर? अरे मेरे दोस्त ने, राहुल सर सेंटर लुक, राहुल सर सेंटर लुक, मेरे दोस्त ने धोखाधड़ी करी मेरे साथ। हुआ क्या कि मेरा एक भाई है सनी नाम का, तो अली ने मेरी मुझे एकदम छुपा के रखी थी, उसके पास सुरक्षित रखी थी। अब क्या हुआ, वो मेरे दोस्त ने अली को बोला कि मोजड़ी मुझे दे दो, और वो इसकी दोस्त के साथ जाके बेच दिया उसको। तो अभी मेरे को बहुत एक बड़ा फटका लगा है, आई हैव पेड अ वेरी हेवी प्राइस फॉर इट। तो अब आप उस जख्म के ऊपर अभी नमक ना छिड़के। राहुल खुशियों की भरमार, दिशा भरमार लेकर आएंगे, एक दिशा तो क्या कहना चाहेंगे मतलब ये? मेरे दिल की है खुशियां अपरंपार, और क्या था सर ये राइम नहीं हुआ। बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, मुझे अभी हमारी टीम की जो मेकअप पर्सन है वो कह रही थी, कहती दिशा को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी, ना ही आप बिल्कुल स्ट्रेस हो। तो मैंने कहा हाँ, ना वो स्ट्रेस है ना मैं स्ट्रेस हूँ। वो कहती व्हेन टू राइट पीपल मैरी ईच अदर देयर इज नो स्ट्रेस। एंड ऑनेस्टली दिस वेडिंग हैज बीन हेक्टिक बिकॉज प्रिपरेशन करने में हम एक एक डिटेल टाइम नहीं मिला था। मैं अभी such a beautiful day, extremely special moment day for both of us and our families, and वो इतनी easily हो गया है। इस बात को मुझे अचंभा है कि मेरे जितने दोस्त काफी लोग कहते हैं यार शादी ऐसी होती है वैसी होती है, but it's just been so beautiful। पूरे देश ने, ना कि पूरे देश ने बट पूरे विदेश में जितने हिंदुस्तानी और देसी लोग रहते हैं उन सभी लोगों ने हमारे लव स्टोरी के साथ कनेक्ट किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ कोई फोटो खिंचाता हूँ तो कहता है अपने शब्दों में मेरा है। सो आई थिंक इट इज सच अ ब्लेसिंग दैट पीपल एक्चुअली सेलिब्रेट आवर लव एज देयर ओन। सो आई थिंक आई डोंट आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग मोर। I agree to him. लोग एक्चुअली हर कोई बहुत प्यार दे रहे हैं हमको, जब से राहुल ने बिग बॉस प्रपोज किया है तब से लेके अब तक मैंने कभी हमारे बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं सुना या कहीं बुरा नहीं पड़ा अबाउट फोर वर्क। आई हैव ओनली सीन लव। सो आई थिंक वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ है दैट हर कोई हमको प्यार करता है। आपने इतना प्यार जताया है, जितने भी आप पेपरासी हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आप जब भी मिले आपने शादी का जिक्र किया, शादी के बारे में पूछा। सो तहे दिल से थैंक यू। इसके पहले मैं ज़्यादा खुल के आप लोगों से बात नहीं कर पाया था, बट हमेशा से कहा था कि 16 को जब लोग आप आएंगे आपसे एकदम दिल खोल के बात होगी, अगर ये मोबाइल साइलेंट पे डाल दें तो। एंड गाइस जेन्युइनली थैंक यू अगेन, आप लोगों ने ना इसको अपनी शादी, अपने घर की शादी समझी। थैंक यू सो मच।
राहुल भाई हम लोग यहीं मत जाइएगा, रिफ्रेशमेंट्स हैं,